नमस्कार और चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने बनाया है बहुत ही झटपट बन जाने वाली इवनिंग स्नैक या बच्चों को आप टिफिन भी दे सकते हैं, जिसका नाम है चीज बॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ। आपको लेने हैं मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, पेपर पाउडर, राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, चीज क्यूब्स, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स। साथ में आपको लेने हैं दो आलू। आप इसमें कैप्सिकम, अनियन, चिलीज एंड कॉर्न डाल के भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। पर जो कि हनी को ये पसंद नहीं है, तो मैंने बहुत ही सिंपल सा चीज़ बॉल बनाया है। तो सबसे पहले लेना है आपको एक बड़ा बाउल, उसमें डाल देने हैं आलू और आलू को बहुत ही अच्छी तरह से मैश करना है। मैश करने के बाद आपको डालना है नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद डालना है आपको राइस फ्लोर। राइस फ्लोर इसीलिए डालना है ताकि इसको बाइंड करके रखे, यानी कि आपके बॉल्स को बाइंड करके रखे। राइस फ्लोर डालने का मेन रीजन ये है कि ये चीज बॉल्स को अच्छे से बाइंड करके रखती है। अभी डालते हैं पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स एंड मिक्स हर्ब्स। इन तीनों चीजों को डालने के बाद हमें करना है अच्छे से मिक्स। ये स्टेज में आप ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस के वेजिटेबल्स, जैसे अनियन, गार्लिक, कैप्सिकम, पेपर एंड कॉर्न। अभी हमने बनाना है कॉर्नफ्लोर स्लरी, यानी कि कॉर्नफ्लोर का एक पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए लेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच पानी। पेस्ट को ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है, इसीलिए पानी हमें बहुत ध्यान से डालनी है। और इस पेस्ट में हम करेंगे चीज़ बॉल्स को डिप, उसके बाद हम करेंगे ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स की कोटिंग। तो यहाँ कॉर्न स्टार्च की स्लरी बनके तैयार है। अभी करते हैं तैयारी बॉल्स बनाने की। उसके लिए आपको पहले ग्रीस करने हैं अपने हाथों को अच्छे से तेल से, और उसके बाद आपको बनाने हैं बॉल्स। एक राउंड बॉल बनाइएगा, उसके बाद हल्का सा प्रेस लगाइएगा बीच में। बीच में आपको डालना है चीज क्यूब। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा साइज का बॉल बना सकते हैं ताकि आप चीज अच्छी तरह भर सके, ताकि और चीज ही बन जाए आपकी चीज बॉल्स। तो है ना बहुत ही झटपट बन जाने वाली स्नैक चीज बॉल्स। आप इसमें डाल सकते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स अपने चॉइस के, और इसको स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक अपने फ्रिज में। और अगर आपको सुबह बच्चों को टिफिन डालने में बहुत जल्दी हो, तो फटाफट से इसको फ्राई करके आप उन्हें भेज सकते हैं टिफिन में, क्योंकि इसमें डालेंगे बहुत सारे वेजिटेबल्स जो कि ये न्यूट्रिशंस का भी वैल्यू ऐड करेंगे। बॉल्स बन के तैयार है। अब हम डिप करते हैं इसे कॉर्नफ्लोर की स्लरी में। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें कोटिंग ब्रेड क्रम्स की और कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स की। तो ब्रेड क्रम्स मैं अच्छे से लगा रही हूँ, इसके तुरंत बाद मैं इसको डिप कर दूंगी कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स में। आप चाहें तो एनी वन ऑफ देम यूज कर सकते हैं, मतलब ईदर ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स क्रम्स, पर मैंने दोनों यूज किए हैं क्योंकि कोटिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर लगती है। तो मैंने बना लिए हैं बॉल्स, कर लिए हैं डिप और कोटिंग भी लगा ली है। अभी हम करते हैं फ्राई। गैस स्टोव कर लिया है ऑन, चढ़ा दिया है कढ़ाई और डाल दिया है तेल। चीज बॉल्स को हमें करना है डीप फ्राई, क्योंकि शेलो फ्राई में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता और जो चीज है इन बॉल्स के अंदर वो चीज मेल्ट नहीं होती। तो चीज बॉल्स आर बेस्ट व्हेन डीप फ्राइड। तेल गर्म होते ही हमें डालना है चीज बॉल्स को, और फटाफट से इनको थोड़ा फ्लिप करके निकाल देना है हाई फ्लेम में, वरना ये जल जाएंगे क्योंकि ब्रेड क्रम्स इसमें लगे हैं और कलर इसका बहुत ही जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो तैयार है मेरी चीज बॉल्स बनके। अभी हम इसका फटाफट से सर्विंग कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए बनके तैयार है चीज बॉल्स। अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट चीज़ी और ऊपर से क्रिस्पी। तो कैसी लगी आपको चीज बॉल्स की रेसिपी, ट्राई जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।